व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के साथ आम के पार्टी सप्ता मानी मैंगो स्टफ पार्टी सप्ता की रेसिपी वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में शेयर करूंगी। चलिए फिर हम लोग इसे बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो ये मेरे पास कुछ कच्चा आम है जिसे मैं छील के और अच्छे से धो के रखी हुई हूँ। तो चलिए अब इसे हम लोग पहले ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारे आम को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम लोग थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैं एक चम्मच घी ली हूँ और इसे पहले गरम कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल गरम हो गया है और अब इसमें ये ग्रेट किया हुआ मैंगो जो है इसे डाल देंगे और फिर इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है और अब इसमें हम लोग चीनी मिलाएंगे। तो चीनी यहाँ पे मैं 5 स्पून चीनी ली हूँ। आप लोग इसमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जो जैसे भी है आप लोग ले सकते हैं। और अब इसे अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। तो इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, ये पूरा हो चुका है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब इसे हम लोग निकाल के एक साइड कर लेते हैं। स्टफ रेडी हो चुका है और अब फिर से एक बॉल लेंगे और उसमें ये 1/2 कप मैदा लेंगे और फिर मैदा के बाद अब हम लोग इसमें इसी कप से 1/2 कप चीनी लेंगे। तो चीनी मैं नॉर्मल चीनी यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ये पतला वाला जो सूजी होता है वो सूजी भी हम लोग 1/2 कप लेंगे। यानी कि मैदा, सूजी और चीनी का जो रेशियो रहेगा वो बिल्कुल ही सेम रहेगा। और उसके बाद इसमें अब हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हम लोग पानी थोड़ा ही शुरू में डालेंगे क्योंकि एक बार में अगर हम लोग ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो बैटर बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको हम लोग 30 मिनट्स तक ढक के छोड़ देंगे। 30 मिनट्स हो चुका है और सूजी जो है वो बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं और जो बैटर है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे और पानी मिलाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। अगर आप लोग को पानी मिलाने का ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग पानी इसमें और थोड़ा सा दे के और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही चाहिए हमें। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग पानी मिलाएंगे तो बैटर पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा भी होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। और अब चलिए फिर हम लोग इसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग तवा को गरम कर लेते हैं। तो ये तवा अब गरम हो गया है और अब इसमें हम लोग एक चम्मच से इस तरह से इसमें डालेंगे। तो ये हमें एक क्वांटिटी सेम रखना है और इसे हल्के हाथों से इसे इस तरह से राउंड शेप में कर लेंगे। जो भी करना है पूरे हल्के हाथों से करना है, इसे ज्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा। और अब ये स्टफ जो रेडी किए हैं उसे हम लोग इसे मीडियम में मतलब सेंटर पॉइंट पे इसे रखेंगे। और उसके बाद ये स्पून से, ये भी हुआ नहीं है, अगर ये हो जाएगा तो ये खुद पे खुद नीचे से छोड़ने लगेगा तवे से। तो ये देखिए, जैसे कि मैं बोली थी जब ये हो जाएगा तो खुद पे खुद साइड से छोड़ देगा। तो ये देखिए, ये साइड से छोड़ दिया है और अब इसे हम लोग इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे प्रेस करते हुए हमें इसे फोल्ड करना है। तो प्रेस करने से क्या होगा ना कि ये फिर खुलेगा नहीं। ये देखिए, इस तरह से हमें लॉक कर देना है और अब इसे पलट के
फिर दूसरे साइड से भी थोड़ा प्रेस कर लेंगे। तो ये अब हो चुका है, ये देखिए बहुत अच्छे से ये पूरा लॉक हो गया है, कहीं से भी ये स्टफ हमारा लीक नहीं करेगा। तो अब चलिए इसे हम लोग निकाल लेते हैं। और अब इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम लोग जितने भी बैटर बनाए हैं सारे बैटर का पार्टी सप्टा हम लोग इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब इसको मैं प्लेट में सर्व करके और उसके ऊपर से थोड़ा सा मैं चॉकलेट सिरप दे दी हूँ, तो ये बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। और चलिए हम लोग इसे खाते हैं।